ना मुंह मोड़ के नहीं सकना। मेरे वाल मुंह कर ते मेरी गल कान खोल के सुन। इन्हू मेरा प्यार समझ जो मेरी धमकी। जे इस बार मैनू पोता ना दिता ना तो मैं अपने शमी का दूजा ब्याह करूं। आंटी जी एहो जी कोई गल नहीं जिहदा कोई हल नहीं। उस वाहेगुरु जी ते भरोसा रखो, इस बार बाबा जी जरूर भाग लाउणगे। पता नहीं सरदार साहब ने की सोचा ते एदा व्याह मनी नाल करता। मम्मी तुसी चाहुंदे तां मेरा व्याह मनिंदर नाल करवा सकदे सी ते इस गुरमन नूं घर जाण तों रोक सकदे सी। ना मैं उहनूं घरों कढ़न दे मनसूबे बना रही हां ते तू तू उहनूं साडा जवाई बना के साडे सिर ते बिठाना चाहुंदी है। मेरा तां इक्को ही मकसद है उसनूं घरों कढ़न दा। मैं कुछ सोच समझ के ही तेरा व्याह उहदे नाल नहीं कीता। मनी गुरमन नूं बचपन तो ही पसंद करदा सी। एवें इल्जाम ना लाई जा मेरे ते। हुण तां मेरी सारी आस मेरे पोते तों है। बाबा लाल रंगी महाराज जी कृपा करो इस बार मेरी आस नहीं टुटनी चाहिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਲੰਘਿਆ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਹੋਰ ਸਵਾ ਲਓ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਸ਼ੰਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਛੇਤੀ। ਕਿਵੇਂ? ਬਸ ਕਰ ਵੀਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਫੜ। ਲਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਬਾਬਾ, ਲੈ ਫੜ ਕਿਛ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ,
जिदे लिए इन्हों होस्पिटल लेके जाना पैना। तुहाडे घर कोई फंक्शन है इसलिए मैं मेडिसिन दे दिना, इहदे नाल आराम रहो। ठीक है जी, पर कल जरूर इन्हों होस्पिटल ले आना। ठीक है डॉक्टर साहब, कल इन्हों मैं खुद लेके आवांगा। अंकल जी तुसी रेस्ट करो, प्लीज तुसी रेस्ट करो। तुसी सुनिया नहीं डॉक्टर ने की किया? मनिंदर पुत्र, मैं पार्टी च जाना ते सारे नाल बहुत जरूरी गल करनी है। और इत्थे जो भी डॉक्टर नाल गल हुई है तो किसी नाल भी जिक्र नहीं करनी। लो जी आ गया केक, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। थैंक यू, मेरा फेवरेट केक लेके आऊंगी। थैंक यू, मैनू ना कह, इस सारा अरेंजमेंट गुरमन ने किया। वैसे भी गुरमन को सब्जी पसंद है, पता ही है। भाई भाई देख ही रहे हो, और छेती-छेती केक कटो। जरूर मम्मी जी। मम्मी प्लीज थोड़ा जा खा लो ना, हुन छड़ दो जिद, घट्टो घट आने वाले बच्चे की खुशी थोड़ा जा मिठा खा लो ना। बाबा जी मेर करन, छेती छेती ना इस घर दे विच साडा कुलदीपक खिलकारियां मारे। अंकल जी, अंकल जी तुसी ठीक हो? अंकल जी इस टाइम तो हानू रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं पुत्र, मैं आज सारे नाल एक गल करनी है। अपने पुत्र शर्मिंदर दे इस दिहाड़े ते कोई तोहफा देना चाहना। इत्थे आए सारे संगी साथियों का मेरे परिवार की खुशी के शामिल होने पर सब तो पहला तो मैं दिल तो धन्यवाद करदा। पर हुण एक जरूरी गल, मैनू लगता है कि हुण समा आ गया है मैं अपनी जिम्मेवारियां तो मुक्त हो जावां। मेरी अगली पीढ़ी नूं वो जिम्मेवारियां सौंप देवां जो मैं हुण तक निभाईयां ने। मैं एक वसीयत लिखी है जो मैं तुहानूं सारयां नूं सुनाउणी चाहुंदा। शम्मी मेरा इकलौता मुंडा ते वारिस है, एक घर ते मेरी फैक्टरी मैं शर्मिंदर नूं दिंदा। अंकल जी पानी ठीक हो ना? पानी पी लो। घर मतलब सारा ऊपर वाला भी ना?
मैं अपना नवा घर ते अपना फार्म हाउस अपनी धी किरण दे नाम करदा। जे किरण ने बाद च विआह करवा लिया तो सारी प्रॉपर्टी उहदे हसबैंड दे नाम ते हो जाणी है ते साडे पल्ले कुछ नहीं रहना। पापा जी भी सब कुछ लुटाउण लगे हुए है। की कह रही है तू? ये तो पापा जी का प्यार आ, नाले किरण का भी तो हक है ना पापा जी की प्रॉपर्टी ते। तुसी आराम करो, बस बहुत हो गया। जो तुसी कहना चाहते से ना तुसी कह लिया, चलो। अजे एक वसीयत बाकी है, मेरा उपर वाला घर ते मेरी पुरानी फैक्ट्री, मैं अपने जिगरी दोस्त गुरतेज के पुत्र मनिंदर नूं देना। इसकी जरूरत नहीं सी स्वर्ण अंकल जी। हाँ जी स्वर्ण अंकल जी। ये बहुत जरूरी सी मेरे ज्यौंदियां जी, ता जो कल नू किसी भी गल नू लैके कोई झगड़ा ना होवे। ये साडा तजुर्बा है पुत्र। थैंक यू स्वर्ण अंकल जी। थैंक यू कादा पुत्र, ये तेरा हक सी, तेरे प्यो ने ते तू जो भी साडे लई कीता मैं वह किदां भुल सकदा। मेरी सस सही कहती सी, अद्धा घर तां पहले ही इन्हां कोल, जे मेरे मुंडा ना होया ते इन्हां ने पूरे घर ते कब्जा कर लेना है ते साडी बाकी प्रॉपर्टी ते भी। ठीक है पुत्र, हुण मैं अपने कमरे च जाना आराम करन लई। पापा जी मैं छड्ड देना तैनू, तू इत्थे अपने मेहमानां दा ख्याल रख, मैनू आपे मनिंदर छड्ड आउंदा। शमी तू इंजॉय कर, ये तेरी पार्टी है, मैं स्वर्ण अंकल जी नाल जाना। ठीक है पापा जी। मैनू तो लग्या सी मेरे मिठाई खाने का टाइम आ गया। ये दोनों अज घरों निकलेंगे। नहीं
इधर आ। की हो गया? ना मेरे तो की गलती होगी? गलती? कोई गलती नहीं हुई। फिर मैंने पार्टी क्यों नहीं सद्या? ये सारा काम काज ना प्रभजोत ने संभाल रखे है। ताही मैं कहा लवली पार्टी जी देखते क्यों नहीं पई? मैनू पार्टी च क्यों नहीं बुलाया? आंटी जी ये घर मेरा है ते पार्टी भी मेरी है। मेरा जिन्हू दिल करूगा मैं ओनू बुलाऊंगी, जिन्हू नहीं करूगा मैं नहीं बुलाना। ते नाले तुसी मैनू बहुत उल्टा सीधा बोलते हो कि मैं अनलक्की हाँ, ते फिर मैं थानू क्यों बुलावा? हाँ जो है वो है, वो तुसी तीन भैणा सी, तेरी माँ हो रही सत्त भैणा सी, तेरे घर च ना कुड़ियां ही पैदा होंदियां, इहदे च मैं गलत की कहता? वो मैं तो आप लाल रंगी महाराज जी को जाके धागा लेके आई थी कि तेरे घर मुंडा होवे। हुण मैं अपनी जुबान तो ये बोल कढ़दी हां, गुरमन दे घर तां मुंडा हो ते तेरे घर तेरे घर कुड़ी हुई हो। इम्पॉसिबल, मैं इस घर नू वारिस देना है ते मैं मुंडा पैदा करके दिखाऊंगी। प्रभजोत, प्रभजोत की होया? प्लीज तुसी सारे साइड ते हो जो, हवा आन दो। प्रभजोत, बाबा जी कहंदे आ ना एहो जी कोई गल नहीं, जी दा कोई हल नहीं। तू ठीक है ना प्रभजोत? तू ठीक है ना प्रभजोत? मनिंदर जी तुसी कुर्सी लेके आओ छेती। प्रभजोत, प्रभजोत तू ठीक है ना पुत्र? प्रभजोत, प्रभजोत आराम ना, ध्यान नाल प्रभजोत, ध्यान नाल। प्रभजोत, प्रभजोत अक्का खोल, प्रभजोत शुक्र है वाहेगुरु जी का। चक्कर, चक्कर आ गए। वाहेगुरु जी इस घर के चिराग नूं कुछ ना होया होवे। शम्मी, प्रभजोत ते बच्चा दोनों ठीक ने, तू टेंशन ना लै। कुछ नहीं होया प्रभजोत, सब ठीक है। शायद ज्यादा नचन नाल चक्कर आ गया होना। प्रभजोत, प्रभजोत तू बोल क्यों नहीं रही? प्रभजोत, प्रभजोत प्लीज तुसी सारे साइड ते हो जो, हवा आन दो। शम्मी मैं डॉक्टर नूं कॉल करके आना। शम्मी प्रभजोत नूं कमरे च लै जाओ, डॉक्टर आउंदे ही होने आ। हे तां आप रूह वर्गी आ, जो आग जमणा इहदे वस दा नहीं आ। हुण तां तू कुछ ना बोल तां ही चंगा है, नहीं तो मैं भुल जाणा कि तू कौन है। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਫਰ ਤੋਲਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰਾਂ? ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਸਸਰੀਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ।